across the room, let's skip to the end. I wanna be what keeps you sleepless. Assalamualaikum everyone, welcome back to ABA Family. एक मरतबा फिर आपको ABA Family में खुश आमदीद. आज मैंने जो चीज़ एज अ चैलेंज कबूल की है वो मैं आज की इस वीडियो में, इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. हमारे चार दिन का कैलिफोर्निया का ट्रिप, वीडियोस बहुत दिनों से नहीं डाली लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने के बाद मैंने एक चैलेंज पकड़ ही लिया. इसमें ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि आया मैं इसकी मल्टीपल वीडियोस बनाऊं या कि एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ जम करके दिखाऊं. इस चैलेंज को मैंने कबूल किया है. चार दिन का ट्रिप सिर्फ 25 मिनट के अंदर, क्या कर पाया हूं क्या नहीं कर पाया फैसला आप करेंगे इस वीडियो में. यह है हमारी फैमिली के पांच लोगों का सामान चार दिन के लिए. फाइनली अब हम पहुंच गए होटल में, लेकिन यहां पे जो हमारा रूम है वो अवेलेबल नहीं है. उसके लिए अभी थोड़ा सा भी वेट करना पड़ेगा. यहां से अब हम जाके तो इतनी देर में हम खाना खा के आते हैं ताकि हमारा रूम जो है वो रेडी हो जाए. आर यू हंग्री? कैलिफोर्निया के अंदर ड्राइविंग सबसे मुश्किल काम. मेरे पीछे आपको ये यहाँ पे ये चिरगा हाउस नजर आ रहा है. सो लेट्स गेट डन विद दैट, फिर कुछ और करते हैं. सफर में और ट्रैवल में सब कुछ हजम हो जाता है. यहाँ पे आके सब ने अपनी मर्जी का फूड ऑर्डर किया. चिरगा इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है. इसके अलावा चने और गर्मा गर्म नान हमारी भूख में मजीद इजाफा कर रहे हैं. पहले कहाँ खाई थी? पाकिस्तान में. मैंने भी पाकिस्तान में खाई थी आज से 5 साल पहले. वैले पे पार्किंग करने का फायदा ये होता है कि आपको हेल्पर्स भी मिल जाते हैं. थैंक यू, अप्रिशिएट दैट. ये एलए का सबसे बेस्ट होटल है और इसका दरवाजा खुलते ही सारे लोग इस रूम को देखने के लिए बेताब हैं. आते साथ ही चांद ने एबीए फैमिली का इस्तकबाल किया. अमेजिंग अमेजिंग ये चांद का मंजर. नवंबर दिसंबर की जो रातें होती हैं उनकी होती है, ठंडक होती है, फिर आप जब बाहर बैठते हैं तो इतना रोमांटिक लगता है, इतना अच्छा लगता है. आप बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि आप भी नेचर का एक हिस्सा हैं, आप उसके अंदर जम हो जाते हैं. तो जो जम होने वाली कैफियत है ना इस वक्त मेरी वो हो रही है. हम लोगों ने अपना रूम बिल्कुल टॉप फ्लोर पे लिया है. ऑलमोस्ट फुल किचन वाला रूम होटल में बहुत ही मुश्किल से मिलता है. हम अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही करते हैं और कुकिंग भी खुद ही करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं. इस होटल के अंदर क्या क्या कुछ है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता चलूं. Daddy. Yes. Guess what? What? I have a surprise. Oh really? Yeah. What is it? बच्चों को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि रूम को जाके एक्सप्लोर करना है. जाने से पहले हम यहाँ पे अपने कपड़े भी धो सकते हैं जितने भी होंगे. फाइनली टाइम हो गया सोने का, कल एक और नया दिन शुरू करेंगे.
यूनिवर्सल स्टूडियोज आज जाना है, लेकिन जाने से पहले हमने अपना करना है नाश्ते का बंदोबस्त। गाड़ी चलाने से बेहतर है कि आप पैदल जाएं, क्योंकि पैदल काम जल्दी हो जाता है। शॉप के अंदर तो मास्क रिक्वायर्ड है, बहुत सारी जगहों पे मास्क रिक्वायर्ड है, तो हम जा रहे हैं मास्क लेने के लिए। यूनिवर्सल स्टूडियो यहाँ पे आते साथ ही हमारी दुनिया एक ऐसे जैसे तब्दील ही हो गई है। ये एस्केलेटर इतना बड़ा है कि आपको इस पे 1 मिनट और 25 सेकंड लग जाते हैं। नई जगहों पे आके बच्चे भी अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर करते हैं। एबीए फैमिली की भी ये कोशिश होती है कि हम बच्चों को ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने दें, बल्कि उनको देख के हम खुद भी इंजॉय करें। कुछ वैसे भी गर्मी है, कुछ बहुत ज़्यादा चलने से भी गर्मी लगती है। जगह जगह पे लगे हुए मिस्ट, यहाँ पे अगर थोड़ी देर भी आप बैठ जाएं तो आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हम अपना ट्रैवल प्लान करके आए हैं, ताकि हमारा एक एक मिनट इस्तेमाल हो और कोई भी टाइम ज़ाया ना हो। हमने खाना कब खाना है, हमने कौन सी राइड कब लेनी है और किस वक्त पे कहाँ जाना है और वापस अपने होटल में कब जाना है, इसमें अली अमार की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। लेफ्ट साइड पे रेगुलर लाइन है, जबकि राइट साइड पे एक्सप्रेस लाइन। हमने एक्सप्रेस लाइन के टिकट्स बाय किए हुए हैं ताकि हमारा टाइम पूरा पूरा इस्तेमाल हो सके। जब हम एक्सप्रेस लाइन से जाते हैं तो यहाँ पे बहुत कम लोगों ने इसके टिकट लिए होते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का ये फ़ायदा होता है कि आप सीधे अंदर चले जाते हैं और कोई वेट आपको नहीं करना पड़ता। अपने प्लान के साथ ही अब हम आ गए हैं अपनी फैमिली राइड पे। ये राइड बहुत ही तेज है, लेकिन इस पे मजा भी बहुत ज्यादा आता है। आयशा अपने हाथ इवन खोल के यहाँ पे बैठी हुई है। ये हमारी फैमिली के लिए एक बिल्कुल नई और मुनफरिद चीज है। यहाँ पे हमें लाइव ये देखने का मौका मिल रहा है कि हम अपनी जो मूवीज देखते हैं वो ये लोग बनाते कैसे हैं। टीवी पे देखने का शायद वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा हमें यहाँ पे लाइव सेट में बैठ कर आ रहा है।
way to go. What way to go? You killed my plane. Doesn't matter. I got your woman and I killed your friends. So who's gonna stop me now? You? I don't think so. You don't have a leg to stand on. इस ट्रेलर को मैं अपने स्पेशल कैमरों से भी कैप्चर कर रहा हूँ। मुझे जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको फुल प्रोसेस भी दिखा दूंगा। Yes! I dig in a water world, celebrate the birth of a new nation. Dry land is my destiny! Hey, Deacon! Hey, what? No! Hey! You! I'm taking you with me! इतनी बड़ी जगह होने के बायस हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद आयशा मरियम ने यहाँ पे कोई थकावट का नाम नहीं लिया। बास्केटबॉल बिलाल की बहुत ही पसंदीदा गेम है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रिवॉर्ड्स भी रखे हुए हैं और अगर बिलाल ने पॉकेट कर लिया तो बिलाल को कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। देखते हैं क्या मिलता है। Almost had it. I got one. Keep it up. You have one in already. You got 10, 7 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Money ball. Take your time. As long as you want. That equals 2 points. Almost had it there. Come on down, you still win a prize. You can win either the Krusty Basketball or the Llama. What is that? Finally, Bilal ne win kar liya Llama. बिलाल का प्लान ये है कि ये आयशा इससे खेल भी सकती है और आयशा को ये इससे तंग भी कर सकता है। फाइनली डे 3, इसमें हैं हम लोगों के बहुत सारे प्लान और ये प्लान सारे सिर्फ और सिर्फ देखने से ताल्लुक रखते हैं। सुबह सुबह उठ के अब ये लामा और पलोमा की आपस में लड़ाई और खेल कूद हो रहा है।
होटल में सिर्फ जिम ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। जिन लोगों को यहाँ पे जिम की और एक्सरसाइज की आदत होती है वो कहीं पे भी एक्सरसाइज के बगैर रह नहीं सकते। ये बहुत खूबसूरत जिम बना हुआ है यहाँ पर। रूम में जहाँ से भी होके वापस आते हैं तो बालकनी का ये एक खूबसूरत सा मंजर इंतहाई खुशनुमा दिखाई देता है। अच्छा, यहाँ पे एक तो मास्क बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये है कि जब हमने वैले पे पार्किंग की है ना, तो जैसे ही हम यहाँ से अपने होटल से निकलते हैं तो होटल से निकलते साथ ही गाड़ी हमें इस जगह पर मिल जाती है, तो हम बस गाड़ी में आते हैं और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, तो हमें पार्किंग ढूंढनी नहीं पड़ती, तो ये एक बड़ी आसानी हो जाती है। ये है बेवरली हिल्स का बेस्ट देसी रेस्टोरेंट। ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये है बंगाली, लेकिन इसके अंदर वो खाने सारे हैं जो कि हम लोग खाते हैं। खाना ऑर्डर करने से पहले बच्चे हमेशा पूछते हैं कि किस किस खाने में क्या क्या चीज़ है। ये इनकी शुरू से आदत बनी हुई है और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि खाना हमारा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाता, हम वही चीज़ लेते हैं जो कि हम खा सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले भी बच्चों से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं इस तरह। एक्सप्लोर करते करते फाइनली हम पहुंच गए हैं बेवरली हिल्स के उस इलाके में जहां स्पे के सबसे सस्ते घर मिलते हैं। इंटरनेट पे प्राइस देखने से अंदाज़ा हुआ कि सबसे सस्ता घर यहां पे ऑलमोस्ट $4 मिलियन का है। यहां से थोड़ी सी दूर चले जाएं तो वहां पे 50-50, 60-60 मिलियन डॉलर के घर भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम कैलिफोर्निया के जिस इलाके से गुजर रहे हैं ये है चाइना टाउन। यहाँ पे हमें बोर्ड्स देख के तो हमारी आंखें चुंदिया गई और दिमाग को चक्कर आना शुरू हो गए कि सब कुछ चाइनीज में है। बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया में ट्रैफिक कदरे फिर भी बेहतर है। बहरहाल हमने थोड़ा सा इलाके को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम होटल में वापस आ गए। फाइनली टाइम हुआ चाहता है अली अम्मार की बर्थडे को सेलिब्रेट करने का। सबसे पहले कुछ पिक्चर्स बनाई ताकि एक यादगार रहे। अली अम्मार जिस दिन पैदा हुए थे और फर्स्ट टाइम उनको घर लाया गया था, तो अली अम्मार के दादा बूनी यानी कि डैडी ने 100-100 के 5 नोट अली अम्मार पे खड़े होकर निछावर किए थे। आज ठीक 16 साल के बाद बिल्कुल उसी तरीके से मैंने 500-100 के नोट अली अम्मार पे निछावर करके अपनी पुरानी याद ताज़ा कर दी। आयशा मरियम और बिलाल हसन ने भी अपने दादा अबू की उसी रीत को कॉपी करने की कोशिश की मुझे देख कर। वो कि आयशा को तंग करके बिलाल को बहुत मज़ा आता है, लेकिन आयशा अपना बदला लेना जानती है। Wow, that's
अली अम्मार की सालगिरह सेलिब्रेट करके उसके बाद शाम को बाहर निकले हैं ताकि बच्चे पूल भी इंजॉय कर सकें। गो के मौसम ठंडा है लेकिन पानी गर्म। How are you feeling so far? Good. Water warm or yes, hot? Yes, it is warm. You like it? जितनी देर में बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं हम बैठ के सोच रहे हैं कि किस तरीके से पैकिंग शुरू करें ताकि सुबह हमें निकलना है तो हमारा कोई सामान यहाँ पे रह ना जाए क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है 5 लोगों का। चाय बना रहे हैं? हाँ चाय बना रहा हूँ, चाय बन गई है बल्कि ऑलमोस्ट बन गई है चाय। मैंने अभी बस उसमें दूध डाला है और डाला दूध ना। तो कैसा रहा विजिट? विजिट बहुत अच्छा रहा और मैंने 2 कप बना दिए हैं आपके लिए भी। मैंने बच्चों को भेजा है आपके लिए डोनट लेने गए हैं या वॉक इन पे ही ये डंकिन डोनट्स है तो मेरा ख्याल है बच्चे आ गए मैं डोनट लेके आती हूँ। हमने जितनी देर में यहाँ पे बैठ के नाश्ता किया है और चाय पी है उतनी देर में हमने गाड़ी नीचे ऑर्डर कर दी है ताकि वो मेन गेट पे लेके आ जाएं और हमारे लिए सामान लोड करने में आसानी। सामान पैक करना गाड़ी में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लेकिन ट्रैवल कर करके अब हमें ये चीज़ भी आसान लगने लगी है बल्कि बच्चे भी अब तो बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं कि सामान को गाड़ी में कैसे पैक किया जाए ताकि ये गाड़ी के अंदर गिरता ना रहे। तो फाइनली अब हम निकल चुके हैं कैलिफोर्निया से अपने घर को। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं अपनी हर वीडियो को एज अ चैलेंज लेता हूँ एडिट करने के लिए और इसमें मेरा चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने 4 दिन के ट्रैवल को 25 मिनट के अंदर अंदर कैसे समोना है। मैंने इस पर तजर्बा किया, आपके सामने लेके आया। आप इस पे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और भरपूर तरीके से मुझे बताइएगा आपने किस चीज़ को कैसे मिस किया और कैसा पाया। मुझे आपके कमेंट्स का इस वीडियो के बाद बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इस वक्त हम आए हुए हैं आयशा मरियम की एक दोस्त और एक कज़न मुस्कान के घर। इनका घर भी कैलिफोर्निया में है। हम जब कैलिफोर्निया से घर वापस आ रहे थे तो इनका घर रास्ते में आता था। आयशा मरियम ने भी मिलने का जो है वो इजहार किया और इसके अलावा इन्होंने नया घर लिया। तो नया घर लेने की खुशी में हम एक स्पेशल रेस्टोरेंट से इनके घर स्पेशल खाना लेके आए हुए हैं। इसके साथ ही एबीए फैमिली को यहाँ से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, कुछ नया और कुछ स्पेशल। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।